हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आप लोग देख सकते हैं आज हम लोग खेल रहे हैं रोब्लॉक्स के अंदर जायंट सिम्युलेटर। और गाइस यहां पर हम लोग बहुत बड़े बड़े योद्धा बन चुके हैं, अभी तो फिलहाल छोटे हैं और हम लोग बनेंगे गाइस आने वाले समय में हम लोग बहुत बड़े योद्धा बनेंगे, साइज में भी और पावर में भी। और यहां पर आप लोग देख सकते हो हम लोगों को बस यहां पर जो अपने हाथ में स्वॉर्ड दी गई है ना दोस्तों, इसको यहां पर चलाते रहना हवा में और हमारा लेवल यहां पर बढ़ते जाएगा। और रास्ते में यार अगर आपको मन है तो आप यहां पे अलग अलग चीजें भी कलेक्ट कर सकते हो। और आप देख सकते हो चॉप मेरे को मारने आ रहा है। अबे चॉप पागल है क्या भाई, मेरे को क्यों मार रहा है? छोटू भाई आपने मेरे को दो बार मारा भाई, आपको छोड़ूंगा नहीं मैं भी बदला लूंगा आपसे। अरे भाई गलती से लग गया था, ये तो सही में मार देगा। बाय द वे गाइस अभी अपन लोग ना पूरे के पूरे डेजर्ट और मतलब बेसिकली गाइस अपन लोग अभी टाउन में नहीं है, ठीक है? और टाउन आप लोग सोच रहे हो कहां है, तो ये सामने देख रहे हो राइट साइड में एक बहुत बड़ा कैसल है हम लोगों के जस्ट, उसके अंदर में टाउन है और गाइस वो हमारा सेफ एरिया है, ठीक है? वहां पर अगर अपन लोग चले गए तो भाई हम लोगों को कोई टच भी नहीं कर सकता है। लेकिन गाइस प्रॉब्लम ये कि आप चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ आपको वहां पर भाई आपका साइज नॉर्मल ही रहेगा, ठीक है? तो गाइज अभी अपन लोग को अगर अपना साइज दिखाना होगा ना आपको, तो हम लोगों को बाहर आना पड़ेगा और यहाँ पर गाइज एक एक चीज आपको मार सकती है। मतलब यहाँ पर फुल एडवेंचर होने वाला है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पर पूरा ट्रेनिंग करेंगे, एक दूसरे से फाइटिंग करेंगे, कोशिश करेंगे ये जानने का कि मेरे और चॉप में एंड तक में सबसे ज्यादा पहलवान कौन हो पाता है। रोस्ट भाई इधर देखो भाई, लोग हमारे पास आने की कोशिश कर रहे हैं भाई। कहाँ पर भाई, मेरे को तो नहीं दिखाई दे रहा है। रोस्ट भाई टाउन के अंदर से आ रहे हैं भाई। ओके गाइस तो लगता है ये बंदा पागल हो गया है, तेरे को कहां से लोग दिखाई दे रहे हैं यार? रोस्ट भाई मेरे स्क्रीन पे मेरे पीछे दो लोग भाग रहे, आपको नहीं दिखाई दे रहे क्या? अबे लगता है कोई ग्लिच है गाइस, क्योंकि मेरे को क्लियरली कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। बट कोई बात नहीं, अभी अपन लोग यहां पर अपग्रेड करते हैं अपने आप को और मिलते हैं आपसे जब हम लोग हो जाएंगे वो लेवल 4 हो गए। गाइस देख रहे हो हम लोगों का साइज क्या बढ़ रहा है भाई। ओ माय गॉड मैं तो इतना पावरफुल हो गया। अपन लोग पानी पे चल पा रहे, चॉप तूने देखा? रोस्ट भाई पानी पे कौन सी बड़ी बात है भाई, इस गेम के अंदर पानी लगता है इन लोगों ने सॉलिड बनाया है। गाइस 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 मेरे को एक बहुत मस्त चीज पता चली है, ये देखो हमारे पास ना गाइस यहाँ पर फ्री में इन लोगों ने चेस्ट दिए हैं 3-3, 2-2। तो अभी टाइम है गाइस इन चेस्ट को खोलने का और देखते हैं कि इनके अंदर क्या मिलता है। ओ ग्रीडी ड्यूअल ब्लेड मिला मेरे को, तेरे को क्या मिला चॉप? रोस्ट भाई मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया, रुको भाई मेरे लिए। ओके ओके टूट कर जल्दी ट्राई। घोस्टली रिवर भी मिला है मेरे को और अब टाइम है देखने का क्या है। थर्ड प्राइज डोमिनेंस क्रेसेंट ऑफ द विकेड भाई, एक से एक वेपन मिल गया चॉप, अब तो तेरी बैंड बजाऊंगा। ओ माय गॉड ये क्या है, गॉथिक गार्गोयल गाइस क्या मॉन्स्टर था। और ये क्या है, सिंपल रोबो मैन, अपन लोग तो फ्यूचरिस्टिक हो गए भाई। चलो फटाफट से गाइस यहाँ पर, ओ इसको पहनने के लिए तो आई गेस मेरा लेवल ही नहीं है। डैम इट यार यहाँ पर हम लोग लेवल 6 के नहीं है गाइस, इसीलिए हम लोग इसको नहीं पहन सकते, अभी मैं लेवल 5 का ही हूँ। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, ये चीज हमें यहाँ पर रोकने वाली नहीं है ऑसम वेपन्स इस्तेमाल करने से ही। सो लेट्स गो, यहाँ पर लेवल 4 का मैं इक्विप कर लेता हूँ और ये गॉथिक गार्गोयल अब हमारा होगा भाई, इसको पहन लो जल्दी से। ओ माय गॉड क्या लग रहा हूँ यार मैं, फर्स्ट भाई मैं भी ड्रेस पहन रहा हूँ भाई, देखोगे? अरे क्या छोरे कैसे हो, तुम भी एक नंबर के मॉन्स्टर लग रहे हो बाय द वे। रोस्ट भाई एक सेकंड रुको मैं चेस्ट खोल रहा हूं भाई। ये ले तेरी तो, कहां भागता कहां है इधर आ। रोस्ट भाई आपने पीठ पे हमला किया, आपको छोड़ूंगा नहीं, यलकार हो आपके ऊपर बमबार हो। अरे भाई बमबारी तू बाद में करना, अभी अभी टुकड़े टुकड़े कर दिए गाइस हम लोगों ने इसके। रोस्ट भाई आप मेरे पास लो लेवल आर्मर था, आपने उसका फायदा उठाया भाई, आपके पास कौन सा लेवल का आर्मर है भाई? मेरे पास लेवल 5 का आर्मर है दोस्त। रोस्ट भाई मेरे पास लेवल 4 का आर्मर है, इसीलिए आपने मेरा फायदा उठा लिया। ओ लेट्स गो, अब हम लोग लेवल 6 के हो चुके हैं। तो चॉप अब मैंने पहन लिया है सिंपल रोबो, और गाइस ये रोबो सिंपल भले नाम से है लेकिन इसकी पावर जो है उसके बारे में कोई भी चीज सिंपल नहीं है। वो एक सीन है ना वांटेड में जिसमें बोलता है चीटिंग करता है तू, नहीं एक्चुअली वो सिंघम में है, वांटेड में नहीं है गाइस। हाँ तो वही मतलब सिंघम में एक सीन है चीटिंग करता है रे तू, बिल्कुल चीटिंग करता है, वही अपन लोग भी अभी वही करने वाले हैं, चीटिंग करेंगे गाइस सिंपल रोबो नाम से और काम से भाई साहब एक्सप्लोसिव रोबो बन चुके हैं। अबे ये फट्टू चॉप कहाँ चले गए, सामने आना भाई, कहाँ उधर घूम रहा है? रोस्ट भाई फट्टू किसको बोला, हिम्मत है तो इधर आओ भाई, अभी आपको बताता हूँ मैं। आजा आजा डरता नहीं हूँ तेरे से भैंस की टैट, अभी बताता हूँ सारी की सारी, यहाँ पे हेकड़ी निकाल के फेंक दूंगा, रुक तेरी तो। ओ क्या डैमेज पड़ रहा है गाइस, देखो मेरा डैमेज ना लाल पे पड़ रहा था और चॉप का ऑरेंज में, और हम लोग यहाँ पर 51 डैमेज के साथ चॉप को धाराशाही कर चुके हैं। और चॉप का तो यार सिर्फ 27 डैमेज बन रहा था, क्या बे क्या गुंडा बनेगा तू, तेरे से डबल डैमेज दे रहा था मैं। रोस्ट भाई गुंडा नहीं बनना भाई, मॉन्स्टर बनना है भाई, आपको यार बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिली है, मेरे को यार इन लोगों ने बहुत फालतू सामान दिया, सारा कबाड़ मेरे पे उड़ेल दिया के। आजा भाई एक और बार पीट पूट के तेरे को बराबर कर दूंगा। ओ भाई मेरा है, ओ मेरा डैमेज कम कैसे हो गया, शिट गाइस मेरे यहाँ पे ज्यादा डैमेज ही पड़ रहा है। ओ जस्ट बचाऊ मैं यार, गाइस मेरे को लगता है चॉप ने यहाँ पे पावरफुल वाला आर्मर पहन लिया, क्यों
है, तूने पावरफुल वाला आर्मर पहना है ना। फर्स्ट भाई आपसे लड़ने के लिए मैंने यहाँ पे अपनी इन्वेंटरी में नया नया चेस्ट खोल के अच्छे अच्छे आर्मर पहने भाई, समझ गए? अब मैं आपसे नहीं डरता हूँ, सामने आ जाओ, अगली बार आपको टपका दूंगा मैं पक्का। अबे भाई आराम से यार, इतनी जल्दी में क्यों गुस्सा हो गया? ऑलराइट लेट्स गो, अभी थोड़ा टाइम लगेगा गाइस, एक काम करते हैं अपन लोग थोड़ा और लेवल अप करते हैं और उसके बाद मिलते हैं। गाइस मैंने अभी अभी यार अरीना में पार्ट लिया है और आप लोग देख सकते हो मैं और चॉप और यहाँ पर एक और बंदा, तीनों में फाइट होगी। चॉप सबसे पहले जा रहा है, चल मेरे शेर दिखा दे। ओ उरे भाई क्या डैमेज दिया इस बंदे ने, ओ माय गॉड इससे बच के रहना पड़ेगा। नहीं 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 सर 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 गलती हो गई भाई, 2000 का डैमेज दे रहा है ये। गाइस मैं यहाँ पर क्लियरली 800 से ज्यादा का डैमेज नहीं दे पा रहा हूँ, ये बंदा क्या मार रहा है? चोप तू भी एक बार में मर गया ना। फर्स्ट भाई आप बच कैसे गए, मेरे को यकीन नहीं होता इस बंदे का एक भी वार कोई भी नहीं बच पाता है यार। ओ माय गॉड भाई यहाँ पे सेकंड पोजीशन आया मेरे को, मतलब यार ये बंदा तो पूरा बैंड बजा देगा हमारी। चलो निकलो यहाँ से भाई, मेरे को जाना ही नहीं है। और बाय द वे लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी हम लोगों के पास यार काफी ज्यादा लेवल अप पॉइंट्स हो चुके हैं। I'm talking level 11, level 11 के थे भाई, तब भी इस बंदे ने यहाँ पर बैंड बजा दी। अब टाइम में यहाँ पर एक नया चेस्ट खोलने का, क्योंकि guess what हमें यहाँ पर एक चेस्ट मिला है। I hope कुछ अच्छा मिले, कुछ अच्छा मिले, कुछ अच्छा मिले। Oh yes, ये क्या है? Knights of Red Cliff General, भाई General Veneral का स्किल दे दिया। ओ भाई ये देखो अपन लोग level 10 तो क्या level 11 के, तो guys अभी अपन लोग आराम से इसको पहन सकते हैं। और ओ भाई this is Sparta, क्या लग रहा है भाई, एकदम Spartan Warrior का यहाँ पर यार पूरा का पूरा स्किन दिया इन लोगों ने। आजा चॉप, आजा तेरे को दिखाता हूँ भैंस की टैट, बहुत हीरो बन रहा था, कहाँ गया चुड़ैल कहीं का? छोटे भाई चुड़ैल मत बोलो भाई, मैं चुड़ैल नहीं हूँ भाई, मैं नॉर्मल आदमी हूँ। चल चुप कर नूबड़े, इधर आ, इधर कहाँ है? ये देखो चुड़ैल आ गया गाइस। एक तो ये लड़कियों वाली स्कर्ट पहन करके चल रहा है, मैडम जी आपका स्कर्ट गिर जाएगा, आराम से चॉप। फर्स्ट भाई बहुत बेइज्जती कर दी आपने, हिम्मत तो बार आओ आपको बताता हूँ मैं। अबे चल भाई तेरे से नहीं डरता। अभी अभी गाइस अपन लोग एक दूसरे को यहाँ पर धमकी दे पा रहे हैं क्योंकि हम लोग क्लियरली टाउन के अंदर है, लेकिन अगर टाउन के बाहर चले ना ये चॉप तो इसकी बैंड बजा दो, लेकिन जाएगा नहीं, पता है क्यों? क्योंकि यार जब भी टाउन के बाहर जाने का समय आता है ये बहाने बनाने लगता है, तो इसलिए अभी के लिए मैं इसको अकेला छोड़ देता हूँ गाइस, और हम लोग चलते हैं अपने लेवल अप जर्नी पर। ओ चॉप ये देख देख भाई मेरे को क्या मिला, यहाँ पर एक नया भाई, इन लोगों ने पूरा का पूरा वर्ल्ड बना करके रखा है। और ये देखो भाई कितनी सारी चीजें यहाँ पर, लुक ये देख यहाँ पे गौतम बुद्ध का स्टैचू भी है, नहीं लाफिंग बुद्ध एक्चुअली वो। ओके गाइस लगता है यहाँ पर हम लोग को कोई नया मॉन्स्टर मिलेगा क्या मारने को? फर्स्ट भाई मॉन्स्टर यहाँ पे भाई डीमन किंग रहता, आपको वहां नहीं जाना चाहिए था भाई। अबे तू भी आ गया, चल आ जा भाई, दोनों मिल करके डीमन किंग से लड़ाई करते हैं। फर्स्ट भाई आपको शायद पता नहीं है लेकिन डीमन किंग को यार आप 1 का डैमेज दोगे, और अगर आपको डैमेज बढ़ाना है तो आपको रीबर्थ लेना पड़ेगा भाई। अरे भाई डीमन किंग तो यहाँ पे बहुत डेंजरस आदमी लग रहा है, लेट्स गो इसके पैरों पे अटैक कर। ओ हमला कर दिया इसने, भैंस क्या कहा भाग रहा है, मार मार मार, पकड़ पकड़ पीछे पर साले को, जाने मत दे आगे। फर्स्ट भाई ये हम लोगों पे अटैक नहीं करेगा लेकिन अपन लोग पीस पे नहीं कर पाएंगे भाई, अब 2000 बार मारना चाहोगे उसको? ओह माय गॉड गाइस ये तो सही में 1 का डैमेज पड़ रहा है यार, अबे ये तो बेइज्जती हो गई भाई, इसको मार भी पाऊंगा मैं भाई? इतना ज्यादा तो मेरे पास भी यार पेशेंस नहीं है गाइस इसको मारने का। अरे डीमन भैया थोड़ा आराम से भाई, इतना पावरफुल कैसे हो गया यार, हम लोग इतनी पावरफुल स्वॉर्ड लेकर के चल रहे हैं चॉप, लेकिन फिर भी इसको नहीं मार पाए है ना। फर्स्ट भाई बोल रहा है अपन लोग का दिन खराब है, हम लोग को इससे लड़ाई नहीं करना चाहिए भाई, हम लोग कचूमर बना के समुद्र में फेंक दे गई है। ओके ब्रो चलो यहाँ से निकलते हैं दोस्तों, ऑलरेडी आज के लिए बहुत ज्यादा बेइज्जती करवा लिया है, हम लोग आ चुके हैं अपने नॉर्मल वाले रेल्म में, और एक्चुअली चलते हैं अब पंपकिन वाले रेल्म में गाइस। ये देखो यहाँ पे पूरा का पूरा हैलोवीन का माहौल हो चुका है, और आप लोग देख सकते हो हर तरफ लोग यहाँ पर फार्मिंग कर रहे हैं कद्दूओं की, ठीक है? यहाँ पर आपको आराम से इजिली काफी सारे कद्दू मिल जाएंगे, और कद्दू से आप यहाँ पर पेट्स खरीद सकते हो। करेंटली मेरे पास चॉप यहाँ पर 400 कद्दू है, तेरे पास कितने हैं? फर्स्ट भाई जान के यार क्या करोगे, मेरे पास तो सिर्फ 150 कद्दू है भाई। अबे 150 कद्दू से क्या होगा भाई, 150 रुपया थोड़ी है। चलो कोई बात नहीं, अपन लोग यहाँ पे अगर मेहनत करें तो 2000 कद्दू इजीली मिल सकते हैं, समझा चॉप? और गाइस इसी के साथ हम लोग लेवल 12 भी पहुंच चुके हैं। डोंट वरी लेडीज एंड जेंटलमैन, अगली बार जब मैं और आप मिलेंगे तो आई प्रॉमिस यू मेरे और चॉप के बीच में डेथ मैच हो रहा होगा कि हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर। तो चलो यार चलते हैं और अपग्रेड करते हैं खुद को और रेडी करते हैं अपने आप को उस मोमेंट के लिए। चॉप तैयार है, आ रहा हूं तेरे से लड़ने। और ये देखो हमारा असली साइज भाई, देख रहे हो, देख रहे हो, मजाक नहीं कर रहा था मैं जब मैं बोल रहा था कि यार हम लोग बैंड बजा देंगे चॉप की। आ जाओ चॉप, यहाँ पर मैं लेवल 29 का हो चुका हूँ और चॉप भी यहाँ पर अच्छे खासे लेवल का है, ऑल्दो हमसे 2 लेवल नीचे है, बट आई डोंट थिंक उसको फर्क पड़ेगा। फर्स्ट भाई आ जाओ भाई आपसे लड़ूंगा मैं, अभी रुको, ये लो मेरा गंडासा खाओ। अबे गंडासा तू क्या मारेगा, मेरे पास यहाँ पर पेट्स है 2, तेरे को सही में लगता है कि मैं तेरे से मर जाऊंगा? अरे भाई दोनों मर गए, व्हाट ये क्या था भाई, इतना पावरफुल था मैं फिर भी इसने
बैंड बजा दी। अगर हिम्मत है तो दोबारा आ जा भाई, तेरी बैंड बजाता हूँ मैं। फर्स्ट भाई आपसे दोबारा लड़ने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई, बस आप नजर आ जाओ पहले। अभी ये कौन चीटी है बे? दो शॉट में मर गया क्या भाई? दिखाई भी नहीं दे रहा, इतने छोटे छोटे लोग आ चुके हैं। गाइस ये देखो हमारा साइज, मैंने बोला था ना भाई कि अपन लोग यहाँ पर पावर की जो हर एक लिमिट होती है उसको ब्रेक करके रख देंगे। और अभी के लिए मैं वापस टाउन आ गया हूँ चॉप को ढूंढने के लिए, ये भगोड़ा यही कहीं छुपा होगा। अब हिम्मत नहीं क्या, बाहर आएगा नूप कहीं के। फर्स्ट भाई आ रहा हूँ, दो मिनट दो मेरे को भाई, एक सेकंड में आ रहा हूँ भाई। ओके तब तक हम लोग यहाँ पर चेस्ट ढूंढ लेते हैं, और चेस्ट के अंदर हम लोग को एडमेंटाइट एक्स मिला। पता नहीं क्या ही था एडमेंटाइट एक्स, लेकिन अभी के लिए मेरे को लगता है कि स्किन वाले चेस्ट से कुछ अच्छा मिलेगा। कम ऑन अबे फिर से गॉथिक गार्गोयल भाई, इन लोगों का मन नहीं भरा क्या, एक ही चीज दोबारा क्यों दे रहे? वेल वरी नॉट लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि हमारे पास ओवरसीयर ओवर लॉर्ड की स्किन है जो कि मैंने अभी करेंटली इक्विप करके रखी है, और इस स्किन का हेल्थ ही 2000 से भी ज्यादा है दोस्तों। तो मेरे को लगता है हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए चॉप से लड़ते समय, लेकिन अब तो वक्त ही बताएगा। आ जाओ फर्स्ट भाई, आखिरी बार यार अपन लोग युद्ध कर लेते, देख लेते कौन जीतता है। ओके चॉप यहाँ पर बाहर की तरफ खड़ा है। आ रहा हूँ मैं तेरे पे अटैक करने, अगर पीछे से करूंगा तो फिर बोलियो मत मेरे को कि मैंने अटैक कर दिया। फर्स्ट भाई आ जाओ भाई, अटैक कर रहा है तो कर दो, फर्क नहीं पड़ता भाई। अभी चेस्ट, अरे नहीं नहीं इतनी जल्दी नहीं करना भाई। अबे नूब भाई तू सुधरेगा नहीं भाई, रहने दे। चलो गाइस तो इससे मैंने प्रूफ कर दिया यहाँ पर कि मैं बेटर वॉरियर हूँ। चॉप अपना चेस्ट ही खोलने में रह गया और हम लोग यहाँ पर उसको इजीली टपका करके निकल गए। वैसे मेरा डैमेज ज्यादा पड़ रहा था दोस्तों। सो दैट वाज इट फॉर टुडेस वीडियो, आई होप यू एंजॉयड दिस वन। इफ यू डिड मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, अंटिल देन स्टे फ्रॉस्टी, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।